जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, सेक्स एजुकेशन का सीजन वन और सीजन टू का रिव्यू मैं आप तक पहुंचाऊंगा और फाइनली मैंने दोनों ही सीजन देख लिया और दोनों ही सीजन में आपको 8-8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड के लिए लगभग 43 मिनट से लेके आप कह सकते हो 50 मिनट के आसपास है, कुछ 53 मिनट्स, कुछ 58 मिनट्स के भी है। कहानी की बात करूं तो कहानी से पहले आपको बता दूंगा ये मेरी लाइफ का, मेरे यूट्यूब करियर का वन ऑफ दी बोल्डेस्ट वेब सीरीज में से एक है। तो सीजन वन की कहानी शुरू होती ओटिस से। ओटिस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, ओटिस का एक फ्रेंड है जिसका नाम है एरिक, तो दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बताया। लेकिन ओटिस की एक प्रॉब्लम ये है, वो है इसकी मॉम। ओटिस की मॉम का नाम होता है जीन, जो कि एक सेक्स थेरेपिस्ट है। सेक्स थेरेपिस्ट मतलब वो एक हिसाब से डॉक्टर है, लोगों की सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर करती है। लेकिन ये बात ओटिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है और वो काफी एम्बेरेस्ड फील करता है अपने दोस्तों को बताने के लिए उसकी मॉम करती क्या है। लेकिन एरिक को सब कुछ पता रहता है ओटिस के बारे में। खैर कहानी आगे बढ़ती है और दोनों हाई स्कूल जाते हैं। हाई स्कूल में उनकी मुलाकात होती है एडम से, मीव से, यानी कि बहुत से अलग अलग कैरेक्टर आपको हाई स्कूल में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एडम को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है और जाने अनजाने में ओटिस उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर कर देता है। अब आप लोग बोलेंगे ओटिस उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर कैसे करता है? तो ओटिस हमेशा अपनी मॉम जीन को देखता है कि वो किस तरीके से लोगों का सेक्सुअल इलाज करती है, तो उस वजह से उसको काफी नॉलेज होती है ये सब चीजों में। तो खैर वो एडम का इलाज कर देता है, लेकिन इलाज करते हुए उसको देख लेती है मीव। तो मीव सोचती कि क्यों ना हम स्कूल में अंडरग्राउंड एक क्लिनिक खोले जहां पर हम स्टूडेंट लोग की सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो ओटिस पहले तो सोचता है लेकिन बाद में ओटिस मान जाता है। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो देखिये कहानी बहुत अच्छी है लेकिन इसको जो बनाया गया वो उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से बताया गया। इसमें जो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बताई गई वो काफी हद तक लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, काफी रियलिटी के करीब ये सीरीज बनाई गई है। इस सीरीज में आपको काफी बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे, काफी ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन इसकी हिंदी डब अगर आप सीजन वन की देखोगे तो आपके हंस हंस के पेट डूब जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने बिंदास होकर पूरी हिंदी डब की है वो सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आती है। और हाँ इसको सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलेंगे और इमोशनल सीन्स देखकर आप इतने टची फील करोगे मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर सबको इतनी अच्छी तरीके से इतने डिटेल में लिखा गया कि हर एक कैरेक्टर के अपने एक इशू यहाँ पे बताया गया, हर एक कैरेक्टर की अपनी पर्सनल लाइफ बताई गई। और सीजन टू की बात करो तो सीजन वन से सीजन टू ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि सीजन टू में हम जितने कैरेक्टर्स हैं उनको और डीपली जान पाएंगे और प्लस सीजन टू में जो नए नए कैरेक्टर्स हैं उनके वजह से और भी सीरीज में मजा आया, सीरीज और भी ज्यादा जबरदस्त हुई है। चाहे सीजन वन हो या सीजन टू हो, आपको देखने को, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप गलत नजरिए से सोचोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से डायरेक्टर ने पूरे के पूरे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, पूरी की पूरी वेब सीरीज को बनाया ना, उसके जहन में एक चीज तो क्लियर थी उसे क्या बताना है और ऑडियंस इससे किस तरह से रिलेट करे। क्योंकि इसमें जो जो प्रॉब्लम्स बताई ना वो काफी लोग इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे हाँ यार इस तरीके की प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी हो चुकी है। तो ये सिर्फ सेक्स ही नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया इन कैरेक्टर्स के बारे में और काफी सब प्लॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के सीजन वन हो या सीजन टू हो काफी एंगेजिंग शो है और इसे अकेले हो सके जितना हो सके आप इसे अकेले देखिए, उन लोगों के साथ देखिए जो इस तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं। मैं आपको इतना बोलूंगा आप इस सीरीज को देखोगे तो आप सारे के सारे कैरेक्टर से जुड़ जाओगे और पर्टिकुलर एक कैरेक्टर फेवरेट बताना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भी। लेकिन मेरे लिए पर्सनली अगर कोई है तो वो है एरिक। एरिक का कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो एक गे कैरेक्टर है मगर उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी हो, जो जितने भी उसकी सिचुएशन थे, जितने उसके सीन्स थे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। और वो एक कैरेक्टर ऐसा जो आपको सीजन वन और सीजन टू दोनों में याद रह जाता है, दोनों में आपको एक अलग ही एहसास रहता है। ये आपको बता दूं जहां पे सीजन टू खत्म होता है वहां से सीजन थ्री 100% आना ही आना है और काफी मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही सीजन थ्री के लिए। क्योंकि देखिये मैं बोल्ड सीरीज की या बोल्ड वेब सीरीज के बारे में कभी मैं ये नहीं बोलता कि भाई इसको देखो, लेकिन ये ऐसी सीरीज है जिसके बारे में आपको खुद रिकमेंड करूंगा। अगर आप मैच्योर वगैरह इस तरीके की चीजें देखने जाते हो, अगर आप सेक्स से रिलेटेड चीजें देखने जाते हो, यानी कि सेक्स से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हो, तो आप ये इस तरीके की सीरीज जरूर देखना। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज को तो भाई ग्रीन सिग्नल है। तो भाई बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब और हाँ इस वीडियो को लिंक के ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख।